गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 18 फरवरी 2019 और आज से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा हमारी जीके 2020 करंट अफेयर की चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में अवेलेबल रहेगी। और इस वीडियो की PDF फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चंस, हाल ही में संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को 10% आरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों, हाल ही में संविधान संशोधन विधेयक 124वां संशोधन विधेयक 2019 सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करता है। अभी यहां बात आई है EWS की, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं और आरक्षण के हिसाब से हमारे देश में किस तरह की पैटर्न अभी अवेलेबल है उसके बारे में हम जानते हैं। ये है रिजर्वेशन चार्ट। हाल ही में नाम आया है EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसी को ही हाल ही में 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जा रहा है और वो है 124वां संशोधन। रिजर्वेशन चार्ट में अभी हाल ही में कौन सी स्थिति बनी है ये आप इमेज के जरिए समझिए। ये है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसको 7.5% आरक्षण अवेलेबल है। और दूसरी बात है SC, उसको 15% आरक्षण अवेलेबल है। OBC अदर बैकवर्ड क्लास को 27 आरक्षण अवेलेबल है। और हाल ही में ये प्रस्तावित है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसी को 10% आरक्षण देने की बात हाल ही में संविधान में है और मेरिट के तौर पर बचता है 40.5%। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसे इथोपिया में महाद्वीपीय निकाय के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों, हाल ही में अफ्रीकी संघ का नया अध्यक्ष अब्दुल फतेह अल सीसी को चुना गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। और यहाँ अब्दुल फतेह अल सीसी की बात आती है तो ये व्यक्ति कौन है ये आप इमेज में देखिए। ये है अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र यानी कि इजिप्त के राष्ट्रपति है, अब्दुल फतेह अल सीसी। और मिस्र इजिप्त यानी कि उसकी राजधानी क्या है, काहिरा। मिस्र की करेंसी क्या है, मिस्री पाउंड। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश की सरकार ने महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कई लाभों की घोषणा की है। तो दोस्तों, हाल ही में हंगेरी देश ऐसा है कि उसकी सरकार ने हाल ही में महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कई लाभों की घोषणा की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, तो दोस्तों ये इमेज में आप देखिए, ये है हंगेरी के PM श्री विक्टर ऑर्बन और उसी ने हाल ही में एक घोषणा की है। क्यों की है, इसका रीजन यहां पर हमको मिलता है। महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने और घटती जनसंख्या को हल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसी उद्देश्य से हंगेरी की सरकार ने महिलाओं के लिए कई लाभों की घोषणा की है। जैसा कि कैसा लाभ, कम से कम 4 बच्चे पैदा करती है तो उस महिलाओं को आजीवन व्यक्तिगत आयकर से छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों, वहां घटती जनसंख्या के कारण ही एक निर्णय PM विक्टर ऑर्बन ने लिया है। तो दोस्तों ये आपको ख्याल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने गुर्जरों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में कितने प्रतिशत कोटा देने वाले एक विधेयक को पारित किया है। तो दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के जो गुर्जर का आंदोलन है उसी के तौर पर विधानसभा में 5% कोटा देने का एक विधेयक पारित किया है राजस्थान सरकार ने। और यहां बात आती है राजस्थान सरकार की, तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान जो यहां पे राजधानी कौन है, जयपुर। यदि ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान की ज्यूडिशियरी
हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो जोधपुर में, और उसकी एक ब्रांच जयपुर में भी है। राजस्थान के राज्यपाल हाल ही में कौन है? कल्याण सिंह, जो आप इमेज में देख सकते हैं। और राजस्थान के हाल ही के प्रधान मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत हाल ही में कांग्रेस पार्टी से चुने गए मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से रिलेटेड हमें इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। और आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय वायुसेना को चिनूक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिला है, जो किस देश से खरीदे गए हैं? यानी कि चिनूक हेलीकॉप्टर है वो हाल ही में अमेरिका देश से खरीदे गए हैं। तो यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है चिनूक हेलीकॉप्टर, और इसकी खास बात यह है कि उसका जो इंजन है वो ट्विन है, यानी कि उसमें दो इंजन लगे हुए हैं, और उसी के आधार पर उसकी ताकत काफी बढ़ जाती है और वह 10 टन माल की ढुलाई कर सकता है। तो दोस्तों इसी की बात को हम विस्तार से यहां समझ सकते हैं। ये देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर, तो 10 टन तक भार को कहीं भी ले जा सकता है चिनूक हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर वायुसेना में मौजूद MI-26 हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। बता दें कि MI-26 दुनिया का सबसे हैवी हेलीकॉप्टर है और यह रूस से बनाया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर में एक अनोखा ट्विन इंजन है। इस सैन्य हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हम सैनिकों, हथियारों, डिवाइस और ईंधन को ढोने में किया जा सकता है। इसके अलावा कभी भी आपदा की घड़ी आती है तो आपदा राहत अभियान में भी इस चिनूक हेलीकॉप्टर का हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में करंट में है, इसके बारे में इतनी सारी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। और बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को आपातकालीन सहायता देने के लिए 24 घंटे महिला हेल्पलाइन नंबर 181 योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हाल ही में महिला आपातकालीन सहायता के लिए 24 घंटे महिला हेल्पलाइन 181 योजना को स्वीकृति प्रदान की है मध्य प्रदेश ने, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश यहां मैप में देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश जो भारत के सेंट्रल में है, जो उसी के हाल ही के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात से है, और उसी के सीएम कौन है? तो कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के 18वें सीएम बने हैं कमलनाथ। तो दोस्तों इसी के बारे में भी आपको याद होना चाहिए, हाल ही में बने हैं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के सीएम। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां 4वीं एग्रीकल्चरल लीडरशिप समिट के दौरान डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर में, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है हरियाणा की, तो ये देखिए दोस्तों इमेज में, ये है हरियाणा। भारत में राजस्थान के बगल में उत्तर दिशा में हरियाणा पड़ता है, तो हरियाणा के हाल ही में सोनीपत ये डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर ही हाल ही में हमारे राष्ट्रपति ने ये घोषणा की है। तो दोस्तों हरियाणा के सीएम कौन है ये भी आपको याद होना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि विश्वविद्यालय हिसार को हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस महानुभाव के नाम पर है? तो दोस्तों एक कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। तो हाल ही में हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही है। और ये ही बात आप इमेज के जरिए ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये भी आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, और उसकी एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नौवां क्वेश्चन, हाल ही में 33वें सूरज कुंड मेले
जो सूरज कुंड मेला है वो विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, उसका आयोजन हाल ही में कहां हुआ था? तो दोस्तों हाल ही में इसका आयोजन हुआ था फरीदाबाद में, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। फरीदाबाद कहां पे पड़ता है? हरियाणा में दोस्तों। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, महाराष्ट्र थीम स्टेट होने से पूरे मेले क्षेत्र को महाराष्ट्र की कला व संस्कृति के रूप में सजाया गया था हरियाणा में। 33वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का कंट्री पार्टनर देश कौन सा था? थाईलैंड। और वो आप इमेज में देखिए, वो क्राफ्ट मेला है और वो आप इमेज के जरिए यहां देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही के केंद्रीय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों हाल ही के केंद्रीय मुख्य आर्थिक सलाहकार है श्री के बी सुब्रमण्यम, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, के बी सुब्रमण्यम। ये देखिए दोस्तों इमेज में, ए है के बी सुब्रमण्यम। तो हाल ही के हमारे केंद्रीय आर्थिक सलाहकार है बी के सुब्रमण्यम, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 3 दिवसीय मरु महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में मरु महोत्सव यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल हाल ही में जैसलमेर में आयोजित किया गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। जैसलमेर कहां आता है? राजस्थान में, और राजस्थान के सीएम और गवर्नर की हाल ही में हमने बात की है। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए आप, ये है मरु डेजर्ट फेस्टिवल की इमेज जो हाल ही में जैसलमेर में आयोजित है। उसे जैसलमेर को एक उपनाम भी दिया गया है और उसी का नाम है स्वर्ण नगरी, जिसे हम जैसलमेर को बोल सकते हैं। तो स्वर्ण नगरी में आयोजित होने वाले जग विख्यात मरु महोत्सव का समारोह हाल ही में 17 फरवरी से 19 फरवरी तक इसका आयोजन हो रहा है। तो दोस्तों ये भी आपको ख्याल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेले का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों बेणेश्वर मेले का आयोजन हुआ है राजस्थान में। दोस्तों अभी बेणेश्वर मेले की बात आती है तो राजस्थान में ये देखिए बेणेश्वर मेला कैसा है। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है जिसे जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, इसीलिए इसे हम आदिवासियों का महाकुंभ भी कह सकते हैं। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है, वहां पे ये मेले का आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? तो माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर सोम माही व जाखम नदियों के पवित्र संगम पर बाणेश्वर नाम का एक शिव मंदिर है और वहीं पे ये बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। कौन सा जिला? डूंगरपुर, और डूंगरपुर से 68 किमी दूर स्थिति पर ये बेणेश्वर है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के लिए 33,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो हाल ही में हमारे पीएम श्री ने बिहार में हाल ही में 33,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। यहां बात आती है बिहार की, तो दोस्तों हाल ही में हमारे पीएम बिहार के दौरे पर थे और बिहार यहां इमेज में देखिए दोस्तों, इंडिया के मैप में ये उत्तर पूर्वी से सटा हुआ देश हमारा राज्य है। तो ये बिहार, बिहार के हाल ही के राज्यपाल कौन है? तो इसका लालजी टंडन बिहार के हाल ही के राज्यपाल है, और बिहार के हाल ही के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन, 18 फरवरी किस महाविभूति का जन्मदिवस है? दोस्तों तो 18 फरवरी रामकृष्ण परमहंस का जन्मदिवस है, और स्वामी विवेकानंद का तो आपको याद ही होगा 12 जनवरी, स्वामी दयानंद सरस्वती का है 12 फरवरी, और रामकृष्ण परमहंस का है 18 फरवरी उसका जन्मदिन है। यहां बात आती है रामकृष्ण परमहंस की, तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम थोड़ी डिटेल के बारे में जानकारी जुटाते हैं। उसका असली नाम क्या था? गदाधर। पिता का नाम क्या था? खुदीराम। पत्नी शारदामणि। उसका कर्म था संत और उपदेशक के तौर पर। उसका कर्म स्थान रहा है कोलकाता,
और उसके शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। काली माता के भक्त थे रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इसी के बारे में हमको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसी का हाल ही में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई की जा रही है। तो आईसीजे का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो आईसीजे का मुख्यालय स्थित है हेग में। हेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड में। तो दोस्तों यहां हम इमेज के जरिए यह बात समझते हैं, हाल ही में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसी में हमारे नागरिक कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कुलभूषण जाधव को हिरासत में ले लिया है और हम इसी के न्याय के लिहाज से हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस लड़ रहे हैं। तो उसी का जो बयान आया है हाल ही में चर्चा में है। तो दोस्तों आपको ख्याल होना चाहिए कि आईसीजे का हेडक्वार्टर हेग में पड़ता है। और दोस्तों कल मैंने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, तो हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 2018 का सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 2018 का सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर मैडी हिंच को घोषित किया गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही था। तो दोस्तों मैं हर एक वीडियो में लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और यहाँ सही आंसर है मैडी हिंच, और वो किस देश की है? ये इंग्लैंड देश की है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम जानते हैं। ये देखिए दोस्तों इमेज में, ये है मैडी हिंच। शी प्लेड फॉर द इंग्लैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन एज अ गोलकीपर। तो दोस्तों यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आज के वीडियो का क्वेश्चन, क्वेश्चंस फॉर यू, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है और उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। तो दोस्तों 18 फरवरी के इस करंट अफेयर में जीके 2020 की ओर से एमजे सर का बाय बाय, थैंक यू।